नमस्कार, पशुधन हिताय चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे HF और जर्सी में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम लेंगे HF को, जिसका फुल नेम है होल्स्टीन फ्रीजियन। ये भी एक फॉरेन की ही ब्रीड है और इसका कलर इस स्क्रीन पे जैसे दिखाई दे रहा है वो काले और सफ़ेद कलर में रहती है ये गाय, या कभी कभी लाल और सफ़ेद कलर में दिखाई देती है। उसके बाद इसका आकार अगर देखा जाए तो जर्सी से ये बड़ी गाय होती है। इसका वेट तकरीबन 600 किलो से लेके 800 किलो तक हो सकता है। इसका अडर का साइज देखें तो इसका अडर का साइज जर्सी गाय के मुताबिक बड़ा होता है और सबसे बड़े अडर की ये गाय मानी जाती है। और इसका अडर ऊपर में चिपका हुआ रहता है, मगर इसके हूप्स में, या हम खुर बोलेंगे उसको, उसमें ब्रिटलनेस होता है, यानी इतनी कठोरता नहीं होती। तो बहुत सारे इन्फेक्शन या मिनरल की डिफिशेंसी जब भी पाई जाती है तो इनमें से सबसे ज़्यादा अफेक्शन पाया जाता है इनके खुरों के ऊपर। बाद में इनका नेचर अगर देखा जाए तो एकदम शांत स्वभाव की ये गाय होती है और उसी से मिल्क प्रोडक्शन इनसे लेना बहुत ही आसान हो जाता है। और इनका स्वभाव ऐसा होने के कारण ही ये बड़े बड़े इंटेंसिव डेयरी फार्मर्स के बहुत एक प्यारी जात बन गई है। तो बड़े बड़े इंटेंसिव डेयरी फार्मर्स जिनका बजट बहुत बड़ा होता है, जो लोग 100 से लेके 200 गाय तक पालते हैं, तो उनके लिए ये रखना बहुत आसानी से वो रख सकते हैं, इनका देखभाल अच्छी तरीके से कर सकते हैं, तो ये गाय उनको पुराती है। क्योंकि इतनी बड़ी गाय होने के होने से इनका ये रहता है कि इनको मेंटेनेंस का, या इनके शरीर को जितना खाना लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है, यानी मेंटेनेंस डाइट जो रहता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। और उससे फिर जो प्रोडक्शन होता है, जो दूध के लिए इनको जो भी चारा लगता है या खाना लगता है, पशु खाद्य लगता है, वो भी थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है। मगर इनका प्रोडक्शन हाई होने के कारण ये गाय तकरीबन 40 लीटर 50 लीटर तक चली जाती है। तो उसके हिसाब से फिर वो जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो डाइल्यूट हो जाता है। उसी के वजह से ये गाय बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में आ रही है इंटेंसिव डेयरी फार्मर्स के लिए, जिनका भी बजट 100 गायों का है या 200 गाय कर है या 700-800 गाय तक वो चले जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही कन्वीनियंट गाय बन जाती है। सो जो भी डेयरी फार्मिंग में जुड़े हैं बहुत दिनों से, अपना डेयरी फार्म बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो वो सब यहाँ इस HF गाय में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही हाई होता है। अगर इससे कंपेयर किया जाए जर्सी गाय से, तो एज सच जो मेंटेनेंस कॉस्ट है जर्सी गाय की वो बहुत ही कम रहेगी। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो अभी, ये एक जर्सी गाय है। इसका कलर रेडिश ब्राउन कलर का रहेगा या वाइटिश रहेगा। इसका आकार भी छोटा रहेगा HF गाय से। इसका वेट तकरीबन 400 से लेके 600 केजी तक होता है। इसका अडर HF गाय से छोटा होता है और देसी गाय से बहुत बड़ा होता है। इसकी हूप्स या खुर में इतना तकलीफ नहीं होती है। इसका मिल्क प्रोडक्शन, एवरेज मिल्क प्रोडक्शन 12 से लेके 30 तक होता है और ये कौन से भी क्लाइमेट में अडेप्ट हो सकती है। तो इसलिए एक गाय बहुत ही सुपीरियर मानी जाती है जहाँ पे कंडीशन एकदम ड्राई हो या टेम्परेचर हाई हो। और ये इनका नेचर थोड़ा सा चंचल होता है, मगर ये देसी गाय से कम चंचल रहती है। और
इजिप्ट से ज़्यादा चंचल रहती है। तो इनमें देसी गाय के मुकाबले अच्छे से हम दूध ले सकते हैं और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में भी है। और इसीलिए अगर जो डेयरी फार्मर्स हैं जिनका मिल्क प्रोडक्शन या जो कम एनिमल रखना चाहते हैं तो हम उन्हें ये गाय लेने की सलाह देंगे। सो आज